हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो अल्टर को लेकर के है। हम कैसे अल्टर का यूज करेंगे, अल्टर का यूज करने के लिए एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, तो उसको और भी डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे हम अल्टर का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ओपन करना है। तो यहाँ पर टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट, तो ये देखिए ये ऊपर आपको दिखाई पड़ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। आप इसको इस पे क्लिक कर दे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन होने लगेगा। अब ये देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक साइड में एक विंडो आ जाएगी। अभी आ गई एक विंडो, यहाँ से एक डेटाबेस बना लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से जाकर के न्यू डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इस डेटाबेस को मैं नाम दे देता हूँ, लाइक स्टूडेंट नाम दे देता हूँ। तो लाइक ये स्टूडेंट का डेटाबेस हो सकता है, तो ये स्टूडेंट नाम दे दिया हमने और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये अब एक डेटाबेस स्टूडेंट का नीचे दिखाई पड़ेगा हमें। तो ये देखिए इन सारे डेटाबेस में एक स्टूडेंट का भी डेटाबेस आ गया है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर डबल क्लिक, टेबल पे जो है यहाँ पर ये जो प्लस का साइन बना हुआ है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये जो प्लस का साइन है, जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे टेबल दिखाई पड़ेगा। अब हमको यहाँ पे टेबल बनाना है, राइट क्लिक करके और यहाँ न्यू पे जाके और टेबल हम बना लेते हैं। तो ये टेबल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही टेबल पे क्लिक करेंगे हम तो ये कॉलम नेम इस तरह से करके ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है स्टूडेंट का नेम। तो यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर करके लिखता हूँ अंडरस्कोर नेम, ये लिख दिया हमने स्टूडेंट नेम। और यहाँ एम कैर डेटा टाइप रहने देता हूँ। और इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर फिर आएंगे, यहाँ पे देंगे हम क्या, स्टूडेंट का नेम दे दिया। अब यहाँ पे देंगे हम सब्जेक्ट्स के नाम देंगे और उससे भी पहले देंगे यहाँ पे रोल नंबर। तो ये रोल और फिर नंबर, क्या प्राइमरी की यहाँ पर भी बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इंट डेटा टाइप मैं ले लेता हूँ इंट, ठीक है। तो ये इंट ले लिया हमने, यहाँ पर कैसे प्राइमरी की बनाएंगे, यहाँ पर जाएंगे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा सेट प्राइमरी की, बहुत आसान है ना, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये प्राइमरी की बन गई। ठीक है, अब ये रोल स्टूडेंट नेम हो गया, रोल नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ सब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ, लाइक कंप्यूटर लिख देता हूँ, ये पहला सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर। अब यहाँ पर आप कुछ भी, ठीक है, और यहाँ पे इंट करने के बाद अब यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश कर दिया हमने इस तरीके से, और यहाँ पर भी क्या करेंगे इंट रखेंगे। तो यहाँ पर कर देता हूँ इंट, इस तरीके से इंट कर देना है आपको, ये देखिए ये इंट हो गया। फिर यहाँ पे अब करते हैं अगला सब्जेक्ट, तो अगला पर यहाँ पर भी इंट डेटा टाइप रख लेता हूँ। तो ये इंट रख लिया हमने और ये सब टिक भी हटा देते हैं यहाँ से, अलाउ नल वाला टिक जो है इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर अब इसको क्लोज करना है। तो ये बोलेगा सेव करने के लिए, तो सेव कर देते हैं, कोई नाम दे देते हैं इसको, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट डेटा, इस तरीके से स्टूडेंट डेटा कर दिया हमने, इसे नाम दे दिया और यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर दिया। तो अब यहाँ पर टेबल पे अगर क्लिक करेंगे आप तो नीचे आपको स्टूडेंट डेटाबेस दिखाई पड़ेगा, और इसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके और फिर यहाँ पे एडिट टॉप 200 रोज पे चले जाइए, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दिखाई पड़ जाएंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम राम कर सकते हैं आप, देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से आप ड्रैग करके इसको खींच खाच के बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, जो करना है इस तरीके से। यहाँ पर भी ये रोल नंबर दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पर जा करके और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे तो ये भी पूरा पूरा दिखाई पड़ेगा। अब इसका रोल नंबर जो राम का रोल नंबर है वो 1 है। यहाँ पे कंप्यूटर में आउट ऑफ 145 मार्क्स है, आउट ऑफ इंग्लिश में 100 में कितने मार्क्स है 56 है, फिजिक्स में कितने हैं 45 हैं, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री में कितने हैं 56 है। तो यहाँ पर बायोलॉजी में भी बात कर लेते हैं तो 56। तो ये इस तरीके से, अब इस तरह से दूसरे स्टूडेंट का नाम है श्याम, SHYAM श्याम कर दिया हमने, और फिर 55 57 और यहाँ पे कर देते हैं 67। तो ये हो गया, तो इस तरीके से हमने कुछ रिकॉर्ड भी एंटर करवा लिए हैं। अब ये स्टूडेंट डेटा नाम से हमने बना लिया है, अब हमको क्वेरी बनानी है। ठीक है, क्वेरी हम क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई क्वेरी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू क्वेरी पे चलना है हमको, जैसे न्यू क्वेरी पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें लिखना है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट कीवर्ड का यूज कीजिए और यहाँ पर लगाइए इनटू का साइन। ठीक है, कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, अब स्टूडेंट डेटाबेस नाम है स्टूडेंट DBMS। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर आप आते हैं, ये देखिए यहाँ पे अभी इसको हटाता हूं मैं, फिर से अभी लिखेंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट डेटा नाम है। ठीक है, तो जो भी नाम है वही नाम आपको देना है। तो यहाँ पर सिंपली आकर के और यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट, फिर यहाँ इनटू का साइन लगाता हूँ और फिर यहाँ पे
कहाँ से सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट डेटा, तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट डेटा, तो यहाँ पे स्टूडेंट डेटा आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप सेमीकोलन लगा करके इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और फिर एक्सिक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर वही डेटा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, इतना इतना तो पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। अब यहां पर आते हैं, यहां पर क्या करना है, हमको कैलकुलेट करने का काम करना है। तो फिर यहां लिखूंगा सेलेक्ट किनके किनके साथ कैलकुलेट करना है, तो ये सेलेक्ट लिख लिया हमने। और सेलेक्ट लिखने के बाद अब हमको चाहिए क्या, स्टूडेंट नेम चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखता हूं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, तो ये स्टूडेंट नेम आ जाएगा। फिर कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्या देना है, रोल नंबर देना है, तो यहां पर लिखा रोल अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर लगा लीजिएगा आप, सही रहेगा, रोल नंबर कर दिया। फिर अब क्या करना है, अब सब्जेक्ट्स के नाम लिखना है, लाइक कंप्यूटर लिखना है तो ये कंप्यूटर लिख दिया हमने। ठीक है, कॉमा देंगे, फिर क्या है, इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे। ये इसी तरह से लिखते चले जाएंगे, टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल कैसे होगा, तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा देकर के यहाँ पर करते हैं हम ब्रैकेट में। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट्स का टोटल चाहिए नाम को, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के नंबर नेम के साथ ऐड करवाने पड़ेंगे। तो कैसे कैसे इसको ऐड करवाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर। ठीक है, यहां पर क्लिक करके लिखेंगे कंप्यूटर, ये कंप्यूटर इस तरीके से, तो ये कंप्यूटर लिख दिया हमने। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए, फिर क्या करना है, फिर इसमें इंग्लिश को ऐड करना है, तो यहां पे लिखिए इंग्लिश, फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर यहां पे करना है फिजिक्स, तो फिजिक्स लिखिए, फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है केमिस्ट्री, तो यहां पे लिखिए केमिस्ट्री, फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है हमें बायोलॉजी, तो यहां पे बायोलॉजी करेंगे। और अब यहां पे क्या करेंगे, एज टोटल, क्योंकि इसको हम नाम देना चाहते हैं टोटल, तो यहां पे लिख देता हूं एज टोटल। ठीक है, और फिर यहां पे दे देंगे कि ये आएगा कहां से, तो फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, यहीं से आएगा, तो यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट डेटा आ रहा है, बस इसी को हमें ले लेना है और फिर यहां टर्मिनेट करना है। अब चलिए इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, ये काफी बड़ा हो गया है, अब इसको सेलेक्ट करना है हमको ऐसे, ये देख सकते हैं इस पूरे को हमने ले लिया है सिलेक्शन में इस तरीके से। ठीक है, अब इसको एक्सिक्यूट करवाते हैं यहां से, तो ये देख रहे हैं कि यहां पर एक्सिक्यूट करवाने पर सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स तो आ ही रहा है, उसका टोटल भी आ रहा है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपके कि ये टोटल कैसे कैलकुलेट होकर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप परसेंटेज, एवरेज और तमाम चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजिली, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आप चाहते हैं अल्टर करना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अल्टर करना, तो अल्टर कैसे करेंगे, तो अल्टर करने के लिए आपको करना क्या है, यहां पर आना है, यहां पे लिखता हूं मैं अल्टर। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले तो टेबल का नाम ही दे देना है हमें। ठीक है, तो पहले लिखता हूं टेबल, तो किस टेबल से अल्टर कराना है वो चीज हमको यहां पर देनी पड़ेगी, तो पहले यहां लिख देता हूं टेबल, टी ए बी एल ई। ठीक है, अब यहां पर टेबल तो हो गया, लेकिन कौन से टेबल से, तो टेबल का नाम है स्टूडेंट डेटा, यही नाम है ना, स्टूडेंट डेटा, ये हमने दे दिया टेबल का नाम। ठीक है, स्टूडेंट डेटा देने के बाद क्या करना है, स्टूडेंट डेटा देने के बाद हमें यहां पर ऐड करवाना है, हमें क्या ऐड करवाना है, यहां पर हम चाहते हैं कि टोटल मार्क्स का कॉलम आ जाए, यहां पे लिखता हूं मैं टोटल मार्क्स, एम ए आर के एस, ये लिख दिया हमने। और इसको हमें एक डेटा टाइप भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन सा डेटा टाइप होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कर देता हूं इंट डेटा टाइप, तो ये इंट सिंपली लिख दिया मैंने, और अब यहां से इसे टर्मिनेट कर देना है, ये टर्मिनेट कर दिया। अब इसी को मैं क्या करता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, और इसको एक बार एक्सिक्यूट करवा लेते हैं, तो ये एक्सिक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अब ये प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टूडेंट डेटा है ना, इसी को हमें सेलेक्ट करना होगा, और अब यहां से मैं इसको एक्सिक्यूट करवाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल मार्क्स का कॉलम भी इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये टोटल मार्क्स का कॉलम कैसे ऐड हुआ है। ठीक है।